हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबेस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा पार्ट है आपके पेपर का जो जिसमें आपकी पूरी ग्रामर जो है वो इसमें बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व रहती है। बहुत अच्छे से आपको ग्रामर आनी चाहिए इस पार्ट को करने के लिए। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रीअरेंजमेंट, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज आपके साथ मैं करने जा रही हूँ एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज with complete explanation of a sentence variation. So let's have a look, starting with the first one. Okay, आपके सामने ये first sentence है, please have a look to the sentence. अब sentence में you have to find out the error. Means आपको इस तरीके से इस form में अगर pattern में error finding exercise आती है, देखिए error finding exercise आपको तीन form में आती है. The first one is your sentence improvement, next one is your this one error finding, and third जो है आपको एक तरीके से close step form में या fill in the blanks के form में जो आती है. So ये तीन pattern रहते हैं grammatically जो है wholesome paper point of view से exercise जो आपके papers में आती है. So I have taken the first one. एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपके सामने चार स्टेटमेंट्स ली हैं। द फर्स्ट वन, ड्यू टू हेवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन, नो एरर। अगर तो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट में नो एरर है तो आप लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे। वैसे भी स्टेटमेंट में, इस तरीके के स्टेटमेंट में एरर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तो आपको ग्रामर की बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको स्टार्टिंग जो सीक्वेंस है आपके ग्रामर टॉपिक का, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सेंटेंस, देन नाउन एंड प्रोनाउन, देन इट इज आर्टिकल्स, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, उसके बाद शुरू होता है आपका सिंटेक्स, सिंटेक्स के बाद आपका आ जाता है टेंसेस, टेंसेस के बाद वॉइस, स्पीच, प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस। तो ये होल सम पार्ट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर आनी यहाँ पर बहुत जरूरी है। सो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में एरर जो है वो कहां पर आपको नजर आएगा, प्लीज यू कैन हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर बोला गया है ड्यू टू हैवी रेन्स। लेट मी टेल यू, बच्चे जो है फर्स्ट एरर ढूंढेंगे रेन्स को लेके, बिकॉज उनको लगता है रेन्स वर्ड होता ही नहीं है। लेट मी टेल यू, रेन्स नहीं होता है, उनके अकॉर्डिंग जो वर्ड है वो सिर्फ रेन होता है। लेट मी टेल यू, रेन्स वर्ड जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड है और इसका जो मीनिंग है वो भी इसी तरीके से ग्राउंडेड है स्टेटमेंट में। रेन्स वर्ड बिल्कुल ठीक है, रेन्स जो है, मैं दोनों में आपको मीनिंग बताती हूँ। रेन का मतलब होता है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वोकैबुलरी डिक्शनरी मीनिंग रेन का मतलब होता है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है, और रेन्स का मतलब होता है बहुत हैवी बारिश होना, बहुत जोरदार बारिश होना। तो उस फॉर्म में रेन बोला जाएगा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को, और हैवी बोला जाएगा जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती, बहुत ही हैवी बारिश होती है, उसे रेन्स बोला जाता है। तो टेक्निकली ग्रामेटिकली यहां पर एरर नहीं है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन, तो यहां पर भी किसी को भी एरर जो है वो नजर नहीं आएगा। लेट मी टेल यू बच्चे, जरूरी नहीं कि एरर जो है वो वर्ब का एरर हो, ऑक्सिलरी का एरर हो या किसी और टाइप का एरर हो, कभी कभी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी जो है उसका एरर भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है स्टेटमेंट में, जो कि यहां पर दिया गया है ग्रामेटिकल वोकैबुलरी। प्लीज हैव अ लुक, शिप ड्रॉन्ड, ठीक है, शिप ड्रॉन्ड, शिप जो है देखा जाए तो शिप इज योर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं बच्चे, वो ड्रॉन करते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है वो सिंक या सैंक करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वोकैबुलरी एरर, ग्रामेटिकल वोकैबुलरी एरर जो है वो शिप जो है वो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग जो है वो ड्रॉन वर्ड नहीं ले सकता है, और यहाँ पर वर्ड आएगा दैट इज योर सैंक, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में जो है वो आपको एरर मिलेगा, राइट। सो ये था फर्स्ट एरर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। ओके, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियरली नो ग्रामेटिकल एरर के साथ जा रही है, जो कि बच्चों को लगता है, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, जो कि बच्चों को लगता है बट ऐसा है नहीं, प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट करेक्टली। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज, लेट मी टेल यू, यहाँ पर द आर्टिकल को जो लगाया गया है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और वो डेफिनेट तब लगाया जाता है जब स्टेटमेंट जो है वो चीज को डेफिनेट बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर कपल ऑफ डेज तो बोला गया,
प्लीज हैव अ लुक. कपल ऑफ डेज तो बोला गया, बट कौन से कपल ऑफ डेज के बारे में बात की गई है? वो डेज डेफिनेट नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, यहाँ पर अ कपल ऑफ डेज आएगा, बिकॉज जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, तो अ आर्टिकल ले सकता है. द इसलिए नहीं आया बिकॉज स्टेटमेंट जो है कपल ऑफ डेज को डेफिनेट नहीं बना रही है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर द आर्टिकल की डिमांड नहीं रहेगी, यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज किया जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, आर्टिकल्स का जो टॉपिक है बच्चे, दैट इज बीइंग कंसीडर एज योर हिडन टॉपिक. हिडन टॉपिक या कॉर्नर टॉपिक होता है, क्योंकि बच्चे जो है आर्टिकल्स को भूल जाते हैं. वो सोचते हैं कि नाउन प्रोनाउन है, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब, एडवर्ब आ जाता है, तो आर्टिकल जो है नाउन प्रोनाउन के बाद ही करवाए जाते हैं, तो वो जो है वो हिडन और कॉर्नर टॉपिक माना जाता है. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज हैव अ लुक. ओके, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक. अगेन स्टेटमेंट बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लगती है, बट ऐसा है नहीं. प्लीज हैव अ लुक बच्चे, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि ग्रामर एरर जो है, बच्चा सोचता है कि इज है तो आर लगेगा, वॉज है तो वर लगेगा, हैज है तो हैव हैड लगेगा. ठीक है, बट एक्चुअली में ग्रामर इस तरीके से हैंडल की जाती है. टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, सिंटेक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल द बेस ऑफ द ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको देखनी पड़ सकती हैं. आप बेस ऑफ द ग्रामर को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. राइट, ओके, अब इसमें देखते हैं. यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, लेट मी टेल यू, आप मिस्टेक करते हैं, बट मिस्टेक्स जो है वो बच्चे डूइंग में नहीं होती हैं, मिस्टेक्स को मेकिंग में डाला जाता है. बिकॉज इट्स अ सेंस ऑफ डूइंग दैट, कि हाँ काम करने को आप डूइंग ही कहते हैं, बट आप मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक्स को कभी भी डूइंग, किसी भी काम को डूइंग में नहीं लिया जाता है, उसको मेकिंग में लिया जाता है जब तक वो काम पूरा नहीं होता. ऑब्वियस है, मिस्टेक जो करना वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, तो वो क्या बनेगा, मेकिंग बनेगा, डूइंग नहीं होता है. प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना, बिकॉज इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपके पेपर में पूछे गए हुए हैं. ठीक है, मैं मैक्सिमम आपके साथ वो स्टेटमेंट्स आज शेयर कर रही हूँ, आज डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास स्टेटमेंट्स पेपर में आई हुई हैं, और आगे भी इन्हीं के थ्रू रेफरेंस में आपको बहुत ही ये चीज जो है वो हेल्पफुल रहेगी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद गोइंग विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज हैव अ लुक. ओके, दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ. ठीक है, विल इफेक्ट आर हेल्थ, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लग रही है, बट स्टिल वी डू हैव अ मिस्टेक. एक ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है कि यहाँ पर इफेक्ट वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा, इसी का दूसरा वर्ड आएगा, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द अफेक्ट. ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? अफेक्ट का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज जो रीजन है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और इफेक्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस में आता है. ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पर पॉइजनस गैसेस को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो अफेक्ट में जाएगा, बिकॉज वो चीज उसको इफेक्ट करती है, इफेक्ट नहीं. ठीक है, तो इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा. इस तरीके से जो एरर आते हैं, हम इसे ग्रामेटिकल वोकैबुलरी एरर कहते हैं, और ये एरर जो है बहुत ही मुश्किल होता है एक विजिबिलिटी में डालना, बिकॉज बच्चों को ध्यान होता है कि वो ग्रामर देख रहे होते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं. सो लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज काइंड ऑफ एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे कि ये स्टेटमेंट भी यूज किया गया, सेम कहीं और भी यूज किया जा सकता है, तो आपको इस तरीके से भी स्टेटमेंट को रीड आउट करना जो है समझना पड़ेगा. ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. यस, द ओनली सॉरी द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर. नाउ स्टेटमेंट इज कंप्लीटली गोइंग इन अ वेरी स्मूथ वे, बहुत ही स्मूथ वे में जा रही है. No error is being visible right now. Please have a look. कोई error ऐसा visible नजर नहीं आ रहा है, but है, because I have to explain you. Let's have a look. यहाँ पर the बोल दिया गया, किसके लिए? Only Indian के लिए, means only Indian definite बताया गया, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर भी state ठीक जारी है. To win the Nobel Prize. अब the जो है वो Nobel Prize के लिए बोला गया, ठीक है, यहाँ पर भी definite बनाया गया, और उसके बाद जो Nobel Prize है वो किस पे है? For the literature.
लेट मी टेल यू, यहाँ पर दो आर्टिकल यूज करना वैलिड है, यहाँ पर दो आर्टिकल यूज करना वैलिड है, और नोबेल प्राइज किस पे है? लिटरेचर पे है, वो भी द नोबेल प्राइज है। तो लेट मी टेल यू, लिटरेचर के ऊपर के साथ सॉरी दो आर्टिकल नहीं लिया जाएगा। एंड मोर ओवर, यहाँ पर जो लिटरेचर है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर आता है, साथ में ये आपका क्या है, इट इज योर एब्स्ट्रेक्ट नाउन। प्लीज हैव अ लुक, इट इज योर एब्स्ट्रेक्ट नाउन। और अगर वो एब्स्ट्रेक्ट नाउन है तो लेट मी टेल यू, एब्स्ट्रेक्ट नाउन आर्टिकल्स नहीं डिमांड करते। तो यहाँ पर द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, सॉरी द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, द नहीं आएगा, फॉर लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली स्टेटमेंट बहुत करेक्ट फॉर्म में थी, बट यहाँ पर एरर जो है वो आर्टिकल्स का विजिबल होना चाहिए। सो प्लीज आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से समझते हुए ही आप स्टेटमेंट अटेम्प्ट कीजिए। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर जैसे अभी शुरुआत में आपके साथ मैं बात करती आई हूँ, आर्टिकल का बताया मैंने आपको, वोकैबुलरी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी का एरर बताया, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, लेट्स हैव अ लुक। आई विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। यस, द बेसिक मिस्टेक, यहाँ तो सिंपल है एरर, बहुत ही इजिली बच्चों को विजिबल हो जाना चाहिए, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट जो है टेंसेस के फॉर्म में यूज की जा रही है। सो लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ ही विल, सॉरी ही विल टेल यू। प्लीज हैव अ लुक, जब आपका विल एक बार स्टेटमेंट में यूज कर दिया गया है, विल आपको पता है फ्यूचर टेंस बताता है, और दोबारा जब स्टेटमेंट रन कर रही है, फिर दोबारा से विल जो है वो स्टेटमेंट में यूज किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर क्या रहेगा, ही विल टेल यू, ठीक है, अबाउट इट, यहां तक जो है वो आपका कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, सिंपल फ्यूचर, दिस इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस जो है यहां तक यूज किया गया, बिकॉज विल का फैक्टर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद व्हेन जो है वो आपका क्या है, इट इज योर कंडीशनल वर्ड, ये आपका एक कंडीशनल वर्ड है, या दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोलें तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि मैम फर्स्ट वाला पार्ट आपने सिंपल फ्यूचर में क्यों लिया, हम उसको चेंज करके किसी और टेंस में ले सकते हैं, बाद वाले पार्ट को हम फ्यूचर में ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल ऑफ टेंसेज, बच्चे जहां पर आपका कंडीशनल वर्ड आता है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जहां पर आपका कंडीशनल वर्ड आता है उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है, मीन्स ही, यहां से ही से शुरू करते हैं, ही विल कम बैक वाली जो स्टेटमेंट है वो जो है कंडीशनल क्या मानी जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज मानी जाएगी। प्लीज हैव अ लुक, ये मानी जाएगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल वो कौन सा टेंस फॉलो करवाएगा, वो आपको फॉलो करवाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप सबको पता है कि विल तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आता, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस v1/v5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका टाइम, राइट, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ही विल हटा दिया जाएगा, कम्स बैक, राइट। तो स्टेटमेंट इस तरीके से फॉर्म होगी। प्लीज हैव अ लुक अगेन, स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, और इसने जो टेंस लिया है वो लिया है सिंपल फ्यूचर। प्लीज हैव अ लुक, इसने सिंपल फ्यूचर टेंस लिया है, ठीक है। व्हेन आपका जो है वो माना जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या हम इसे कहते हैं कंडीशनल वर्ड, ठीक है, ये आपका कंडीशनल वर्ड है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है ये एक रिजिड रूल है। प्लीज हैव अ लुक, ऐसी स्टेटमेंट्स पेपर में आती हैं और ये एक रिजिड रूल है, ये हिलेगा नहीं, बहुत ही स्टैटिक रूल है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर्स में जरूर आता है। तो व्हेन आ गया, तो व्हेन के साथ वाली स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करेगी, और अगर फॉलो करेगी विल को हटाया जाएगा और कम की जगह क्या लिखा जाएगा, कम्स बाय, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो वी वन आता है या तो वी फाइव आता है। लेट मी टेल यू, इसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल यूज होता है, आप लोगों को शायद पता होगा फ्यूचर टेंस में, ठीक है, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी वन /v5
plus object plus. So in this way these kinds of statements are very important. सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जहां पर subordinating conjunction word या conditional word आ जाता है, जैसे कि when, if, until, before, after, ये सारे conditional words हैं, सारे subordinating conjunction words हैं, अगर आ जाते हैं तो उसके साथ वाली स्टेटमेंट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही कहलाएगी, और अगर वो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉलो किया जाएगा. ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ओके, नेक्स्ट प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल. प्लीज हैव अ लुक, यहां पर स्टेटमेंट बहुत ही इजी फॉर्म में चल रही है और बच्चों को जो एरर नजर आने वाला है वो यहां पर आप कुछ करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं ग्रामेटिकली आई रियली डोंट नो, बट लेट मी टेल यू एरर क्या है. ये बच्चे एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कभी कभी जब नाउन प्रोनाउन बात करता है तो स्टार्टिंग जो बात करता है वो एक फ्रेजल फॉर्म में बात करता है कि इट इज टाइम. ठीक है, इट इज टाइम मीन्स अब टाइम हो चुका है. फ्रेज फॉर्म में बात की गई है कि टाइम हो चुका है, तो वी शुड हैव डन की जगह क्या आएगा, वी डिड समथिंग यूजफुल. ठीक है, ये रहेगा इसका एरर. अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये माना जाएगा इट इज टाइम आपका क्या है, फ्रेजल फॉर्म का एक्सप्रेशन है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस आएगा. तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये टेंसेस का आपका एक रूल है, कंडीशनल रूल है ये वाला. जैसे कि एक स्टेटमेंट होती है इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, means she may be waiting for the for her friend at the bus stop or yeah, at any other place. बहुत टाइम से वेट कर रही है, बट अब तो हद हो चुकी है, इनफ इज इनफ. तो इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप. तो इस तरीके की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका पास्ट टेंस, राइट. सो ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं प्लीज डू मेक इट कंसिडर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वैसे भी जितने भी अभी आपके साथ स्टेटमेंट्स जो है डिस्कस कर रही हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी तरीके की स्टेटमेंट्स आपको आपके पेपर्स में जरूर विजिबल मिलेंगी. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू देम. ओके, फॉर दिस यू नीड अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर. ग्रामर के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जरूर चाहिए. ओके, अब यहां पर है, प्लीज हैव अ लुक. आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर विल दे नो एरर. सो यहाँ पर भी स्टेटमेंट जो है वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये शायद मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. क्वेश्चन टैग रूल फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग रूल क्या है कि जो आई डोंट सपोज ये जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट बताता है, नेगेटिव सेंटेंस जो है वो शो कर रहा है. तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका जो कॉमा के बाद वाला जो एक पार्ट रहेगा, टैग पार्ट रहेगा बच्चे, वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव. मीन्स टैग पार्ट चाहिए पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव रूल फॉलो हो चुका है, बट स्टिल द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ग्रामेटिकली स्टेटमेंट गलत है. रीजन इज आई डोंट सपोज मींस डोंट अगर नेगेटिव है तो लेट मी टेल यू डोंट का ही जो है आपको पॉजिटिव सीक्वेंस लेना है. तो डोंट का पॉजिटिव सीक्वेंस होता है डू. तो विल की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, डू दे. आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर Do they, right? So will नहीं आएगा, यहाँ पर do आएगा. And let me tell you, ये statement handle करने का means trip, आप कह सकते हैं trick है. बिना कुछ सोचे समझे आप इस चीज को apply कर सकते हैं. अगर statement आपकी positive है तो tag part negative होना चाहिए, अगर statement negative है तो tag part positive जाएगा ही जाएगा. दिस इज अ वेरी रिजिड रूल और बच्चे इस रूल को बिना कुछ सोचे समझे इजिली स्टेटमेंट में देखे हुए अप्लाई कर सकते हैं. ये एक रेडली और इजी रूल है, बट स्टिल सम आर इग्नोरिंग दिस रूल. सो डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन टैग रूल 101% है बच्चे, आपके पेपर में आएगा ही आएगा, राइट. सो डू रिमेम्बर दिस रूल, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यू हैव टू फॉलो दिस वन. ओके, आगे मूव ऑन करते हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. ओके, कैन यू कोप अप With all this work, he asked. ठीक है, अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ग्रामेटिकली स्मूथ स्टेटमेंट लग रही है, बट स्टिल द स्टेटमेंट इज हैविंग एरर, राइट. कैन यू कोप अप विद, अब यहाँ पर एरर जो है वो इस यहाँ पर है, इस वाले वे जो है स्टेटमेंट में है.
कोप भी बोल दिया गया है, अप भी बोल दिया गया है एंड विद भी बोला गया है। विद एक तरीके से यहाँ पर रिलेशन बता रहा है किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपका जो कोप वर्ड है और जो अप वर्ड है वो आपको स्टेटमेंट में दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। एक रूल नोट कर लेना प्लीज, किसी भी स्टेटमेंट में अगर कॉन्टिन्यू ऑर्डर में, जैसे ये कोप और अप साथ साथ में आया है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में, बच्चे दो वर्ड्स वो भी सेम मीनिंग के जो हैं वो यूज नहीं किए जा सकते। तो अब आपको देखना है कि आपको एक वर्ड हटाना पड़ेगा जो पीछे से स्टेटमेंट और आगे से स्टेटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो वर्ड ओमिट किया जाएगा और दूसरा वर्ड जो है वो स्टेटमेंट में रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैन यू कोप अप विद, तो स्टेटमेंट ये हो सकती है, अगर मैं कोप को हटाती हूँ, प्लीज हैव अ लुक, अगर मैं कोप को हटाती हूँ कैन यू कोप अप, सॉरी कैन यू अप विद, तो ये स्टेटमेंट आपके साथ नहीं जा पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अप को जो है वो हटाना पड़ेगा। कैन यू कोप विद, यस कैन यू कोप विद, ये ग्रामेटिकली सही स्टेटमेंट मानी जाएगी और अप को जो है वो ओमिट किया जाएगा। सो यहाँ पर ये रहा। एक मैं आपको स्टेटमेंट और देती हूँ, प्लीज हैव अ लुक। He entered into the room. अब देखिए इसमें क्या है, इस वाली स्टेटमेंट में he entered into the room means enter का मतलब भी अंदर आना होता है, into जो कि preposition है वो भी inside ही बताती है। तो या तो आप enter रखेंगे या तो into रखेंगे, because दोनों वर्ड साथ साथ में है। अगर बच्चे एक वर्ड यहाँ दूसरा वर्ड अगर कहीं और स्टेटमेंट में होता तो वो चीज हम अप्लाई नहीं करते, फिर तो जो चीज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रन करेगी हम उसको लेंगे। बट यहाँ पर है कि entered और into दोनों वर्ड स्टेटमेंट में सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, एंट्री इनटू द रूम, ठीक है ना। तो इनमें से अब एक वर्ड को ओमिट किया जाएगा तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, ही एंटर्ड द रूम। ये नहीं कह सकते ही इनटू द रूम, नहीं बोला जाएगा, ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। तो इस जगह पे एंटर्ड वर्ड को क्या कर दिया जाएगा, ओमिट किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, ऐसी स्टेटमेंट्स भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कभी कभी स्टेटमेंट में बच्चे आपको सिमिलर मीनिंग जो है स्टेटमेंट में अगर कन्वे किया जा रहा है वो वर्ड गिवन होता है और आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड विच वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो उस नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट जो है आप उसको क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, राइट ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक दिस वन। Yes, he served as the president of Lions Club since 15 years. Yes, यहाँ पर शायद हो सकता है कि error आपको visible हो जाए, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। Since 15 years, let me tell you, यहाँ पर concept आता है जो since है वो आपको time का factor बताता है, जो कि हम आपको tenses में करवाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर दो बातें हैं, since and for, ठीक है। अब सिंस एंड फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट लेके भी मैं आपके साथ आऊंगी रूल्स में, ठीक है। सिंस क्या होता है, वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बताता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000, ठीक है, सिंस ये बताता है। और फॉर जो बताता है वो इनडेफिनेट बताता है। अब प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम ग्रामर में करते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे ही नाउन प्रोनाउन खत्म होता है आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, तब हमारे पास आर्टिकल्स को डिवाइड करने के लिए हम दो बातें बोलते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट होता है दो आर्टिकल बिकॉज वो स्पेसिफिक होता है, और इनडेफिनेट होता है ए और एन। मैंने आपको ये इसलिए बताया, द रीजन इज कि आर्टिकल्स के टॉपिक के बाद हम जो भी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, वेदर द स्टेटमेंट इज डेफिनेट, वेदर द स्टेटमेंट इज इनडेफिनेट। वर्ब भी प्रॉपरली बताएगा, एडवर्ब भी बताएगा, एडजेक्टिव, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, ये सारी चीजें इसी दो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रन की जाती हैं। तो इस फॉर्म में सिंस जो है वो डेफिनेट बता रहा है और फॉर जो है वो इनडेफिनेट। देखो फॉर इनडेफिनेट कैसे, सिंस तो समझ में आ जाता है। फॉर में अगर मैं बोलती हूँ कि फॉर टू डेज, ठीक है, फॉर टू डेज आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, ठीक है। अब आई बींग द फर्स्ट पर्सन, यू बींग द सेकेंड पर्सन, हमारे बीच में कन्वर्सेशन तो ठीक है पता लग गई, बट किसी और को बताने के लिए अब कोई कैसे जानेगा कि फॉर टू डेज कौन से वाले,
ठीक है, कौन से मंथ के टू डेज और मंथ में कौन से टू डेज, मींस कौन सी डेट के टू डेज के बारे में बात करो, 20, 22, 21, 22, 23, 24 के बारे में बात हो रही है, या वीक में कौन से टू डेज, मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो है, जब कोई चीज एक स्पेसिफिक नई बात बता रही होती है तो वो इनडेफिनेट कहलाती है, और इनडेफिनेट टाइम पीरियड को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लॉयन क्लब फॉर 15 इयर्स। फॉर 15 इयर्स इसलिए बोला बिकॉज कौन से 15 इयर्स, कौन सी ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से डिकेड के 15 इयर्स हैं, कब से लेके कब से है, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ 15 इयर्स बोला गया, तो इसके लिए फॉर को यूज किया जाएगा। और सिंस एंड फॉर का रूल जो है मैं आपके लिए कंप्लीट सेट में एक नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ओके। बिकॉज सिंस एंड फॉर कौन से टेंसेस अप्लाई करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस एंड फॉर इसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसेस का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया जाता है सिंस एंड फॉर के साथ, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्लीज हैव अ लुक। यस, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर भी जो एरर है बहुत अच्छे से विजिबल है। यहाँ पर प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट टू यू टू, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगेन दिस इज ग्रामेटिकल एरर, बहुत अच्छे से पेपर में आता है। कभी भी बच्चे ऐसे करके स्टेटमेंट्स टू जो है वो ले नहीं सकता, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। प्लीज हैव अ लुक, टू यू टू करके स्टेटमेंट जो है मीन्स टू जो है इस तरीके से स्टेटमेंट में नहीं लगाया जा सकता, एंड दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमें एक टू को हटाना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, तो ये वाला जो टू है उसे हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसलिए मैं बता रही हूँ, प्लीज हैव अ लुक, बिकॉज आप कह सकते हैं कि वी डू हैव द इन्फिनिटिव रूल, टू यू टू तो नहीं यूज हुआ, लेकिन इन्फिनिटिव रूल में तो टू यूज किया जा सकता है, जिसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं, 2 + b1 and 2, ऐसे करके अगर कुछ आता है जिसे कि हम इनफिनिटिव रूल कहते हैं, जो कि हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो ये वाला जो टू है उसे हम कहते हैं इनफिनिटिव रूल, ठीक है, और ये वाला जो टू है इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन, राइट। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे अलग है, तो इस तरीके की कंडीशन प्रिवेल की जा सकती है, लेकिन इस तरीके का जो टू यू टू करके स्टेटमेंट में यूज नहीं किया जा सकता। सो दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर रूल ऑफ यूजिंग द टेंसेस, जो कि फ्यूचर टेंस का रूल है। जब आपके साथ मैं टेंसेस डिस्कस करूंगी तो इसको भी और डिस्कस करूंगी, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं, ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट नाउ। यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग, यस। सो यहां पर स्टेटमेंट जो है वो फ्रेजियल फॉर्म में बोली जा रही है, कि yesterday it rained like cats and dog, means बारिश ऐसे हुई जैसे कि जो cat और dog जो है वो क्या करते हैं, लड़ते हैं, यहाँ पर ये बोला गया। तो let me tell you and please note it somewhere, note it somewhere, कि कभी भी बच्चे जब idioms and phrases के बारे में बात होती है, जो statement बताती है कि it rained like cats and dog, तो बच्चे idioms and phrases को कभी भी like में नहीं डाला जाता, that is grammatically incorrect। बिकॉज हम बता जरूर रहे हैं कि बारिश कैसे हुई, जैसे कैट्स एंड डॉग लड़ते हैं, हिंदी में बोलने के लिए जैसे वर्ड यूज किया जा सकता है, बट यहाँ पर एक्चुअल पार्ट क्या है कि बारिश हुई बिल्कुल जैसे नहीं बोला जाएगा कि कैट्स एंड डॉग जो है वो फाइट करते हैं। तो कभी भी, अभी तो ये एग्जाम्पल दिया है, बट बच्चे आगे भी आपके पास बहुत सारे idioms and phrases आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, जिसमें लाइक वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। तो प्लीज हैव अ लुक, idioms and phrases में लाइक वर्ड जो है किसी भी कंडीशन पे यूज नहीं किया जाता, बिकॉज idioms and phrases को जैसा नहीं बोला जाता है वो उनके एक्चुअल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। सो कभी भी लाइक वर्ड जो है वो यूजेबल नहीं रहेगा idioms के केस में, तो यहां पर हम लाइक नहीं लगा सकते, ओके। लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन, यस। नाउ द स्टेटमेंट इज, वरुण इज सुपीरियर देन करण इन द सॉरी इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो यहाँ पर प्लीज हैव अ लुक, वरुण इज सुपीरियर, अब प्लीज हैव अ लुक, द वर्ड इज रिटन सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वर्ड लगा है, काफी बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर जो डिग्री फैक्टर यूज किया गया है, बट प्लीज लेट मी इन्फॉर्म यू थिंग, कि जब भी स्टेटमेंट सुपीरियर, इन्फीरियर या प्रेफर वर्ड यूज करता है, प्लीज हैव अ लुक, सुपीरियर
इंफीरियर या कभी प्रेफर वर्ड यूज किया जाता है तो प्लीज हैव अ लुक, देन कभी नहीं यूज किया जाता, हम हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं एंड दिस इज अगेन अ वेरी यूजफुल ट्रिक। ठीक है बच्चे, कभी भी, ठीक है, कभी भी सुपीरियर, इंफीरियर या प्रेफर वर्ड स्टेटमेंट भी यूज किया गया है तो आप सीधा प्रेपोजिशन टू लगाइए। ये एक बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये हर जगह पे अप्लाई होने वाला है। अब मैं रीजन बता देती हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, देन क्यों नहीं यूज हो रहा, बिकॉज देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बताता है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो सुपीरियर वर्ड बोल दिया गया है मीन्स वो चीज उससे सुपीरियर है, तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरा कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं किया जाएगा। एक बात ये, दूसरी बात कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को यूज करने का सिर्फ एक रूल है कि कंपैरेटिव मींस देन को यूज करने का ये रूल है कि देन से इधर या उधर जो है वो ईआर या ईएसटी का फैक्टर लगना चाहिए, राइट। देख, वरुण इज स्मार्टर देन करण, ठीक है, अब स्मार्टर में ईआर लगा है, ठीक है, तो ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है, तो बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री में जो है स्पेशल गोज टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव तब यूज करते हैं देन के साथ जब ऑलरेडी ईआर का या ईएसटी का फैक्टर, सॉरी ईआर का फैक्टर जो है वो प्रेजेंट हो। प्लीज हैव अ लुक, कंपैरेटिव में ईआर का लगना जरूरी है, तो देन तो लग गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईआर का फैक्टर नहीं लगा, तो देन तो आप तभी लगाएंगे जब आपके पास कंपैरेटिव का फैक्टर लगा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम प्रेफर सुपीरियर इंफीरियर वर्ड है तो टू प्रेपोजिशन ही लगाया जाएगा। दिस इज वेरी रिजिड रूल एंड टिप ही है आपके पास, टिप एंड ट्रिक है कि आप इसे बंद कुछ सोचे समझे बिना कुछ सेंटेंस को फर्दर रीड आउट करें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही करेक्टेड फॉर्म है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। ओके, अब यहां पर एक स्टेटमेंट है, एवरीवन नोज, ये आपके बुक्स में भी स्टेटमेंट है, बचपन से आप ये चीज को पढ़ते आए हैं। गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यस, ये एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसे कोई भी बच्चा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोल ही नहीं सकता, वो कहेगा कि हम लास्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं, दैट इज नो एरर, बिल्कुल नो एरर ऑप्शन रहेगी। बट लेट मी टेल यू कि बच्चे यहां पर जो है एरर जो है ये अराउंड में है, यू नो एट अराउंड एंड राउंड इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट में, ये वर्ड क्यों नहीं आ रहा है, द रीजन इज कि अराउंड वर्ड जो है वो इनडेफिनेट बताता है, राउंड जो है वो डेफिनेट बताता है। आई जस्ट गिव यू, एक राउंड वर्ड है आपके पास, एक अराउंड है, ठीक है, राउंड का मतलब है कि जहां पर एक डेफिनेट पोजीशन जो है वो ली जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो आप सबको पता है कि अर्थ जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करती है, तो नहीं कि अर्थ कभी कहीं जा रही है रोटेट होने, रेवोल्यूशन करने या कहीं और जा रही है, ऐसा नहीं है। वो दिन और रात और सीजन जो है, रेवोल्यूशन रोटेशन जो है, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है और वो पर्टिकुलर काफी टाइम से सेम ऑर्बिट फॉलो कर रही है। तो प्लीज हैव अ लुक, जब कोई चीज एक डेफिनेट जो स्टेटस है या डेफिनेट पाथ जो है वो फॉलो करता है वो राउंड बोला जाता है। सो राउंड इज द राइट वन। ठीक है, अराउंड में होता है जहां पर आपको लोकेशन का नहीं पता, आप इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे कि ही वॉज वॉकिंग अराउंड द पार्क। अब अराउंड द पार्क का मतलब क्या है, दिस इज द पार्क, ठीक है, अराउंड द पार्क है मींस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यू आर एट ऑल द लोकेशंस। ठीक है, तो ये अराउंड है मींस यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो ये अराउंड हुआ। लेकिन जहां पर आपकी पोजीशन जो है या जो भी आपका जो मूविंग मूवमेंट का जो पाथ है वो बहुत ही स्टैटिक है, वो डेफिनेट है, वो राउंड बोला जाता है। सो प्लीज मेक इट क्लियर, अगर अभी तक आप बुक्स में यही पढ़ते आए हैं, लेट मी क्लियर दिस थिंग, दिस इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, आप अराउंड नहीं लिख सकते हैं, आपको इसको राउंड ही बताना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर योर बेसिक प्रेपोजिशन, मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट। यस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। यस, स्टेटमेंट ग्रामेटिकली बिल्कुल ही करेक्ट लग रही है, गलती से भी कोई एरर नहीं है, तो वी कैन गो फॉर नो एरर, बट सॉरी टू से दिस थिंग, वी डू हैव अ एरर। यहाँ पर एरर ये है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है बच्चे, ये सिंटेक्स का टॉपिक है आपके लिए डिस्कस करने के लिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाई इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, बिकॉज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है बच्चे उसे हम क्या कहते हैं, पेयर वर्ड्स, वो पेयर वर्ड्स हैं, और अगर वो पेयर वर्ड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो जो है वो क्या लेगा, सिंगुलर, क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर वर्ब लेगा। इज दैट ओके?
पेयर वर्ड्स वो होते हैं बच्चे जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जिसको सिंगल ही माना जाता है, सिंगुलर पार्ट में ही माना जाता है, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड और बटर जो है वो एक सेपरेट चीजें हैं, बट जब मैं स्टेटमेंट में बोल रही हूँ कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, मीन्स अगर मुझे ब्रेड एंड बटर कंज्यूम करना है तो मैं पहले ब्रेड लूंगी, उसके ऊपर बटर लगाऊंगी, उसको एक स्लाइस, एक सिंगल चीज बना के, एक सिंगल ईटेबल चीज सिंगल ईटेबल चीज बना के मैं उसको कंज्यूम करूंगी। तो कंज्यूम तो एक ही चीज की आपने, ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एक पेयर वर्ड है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, साथ में जो वर्ब लिया जाएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। ये आपका सिंटेक्स का रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल जाएगा। दिस इज योर बेसिक बेस रूल of syntax, right? Okay, next move on करते हैं। Okay, let's have a look to the statement. Okay, if I were Zubain, I would not attend the wedding. Come what may. अब बच्चे कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट और फ्रेज जो है वो मर्ज करके दे दिया जाता है। जैसे यहां पर दिया गया कम वॉट में जो है वो एक तरीके से फ्रेजल फॉर्म में बात करने का, कम वट में, कम वॉट में मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेट मी टेल यू, जब ऐसा आता है आपका जो फ्रेजियल फॉर्म है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रेजियल फॉर्म पॉजिटिव होता है, स्टेटमेंट को भी यहाँ पर पॉजिटिव ही जाना चाहिए। सो इफ आई वर जुबेन, प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर इफ जो है वो यूज किया गया है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सपोजनल जा रही है। स्टेटमेंट सपोजनल है, वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर जरूर है, आई सिंगुलर, बट वो सपोजनल जो है वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट इज आई विश आई वर अ किंग, यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, आई विश आई वर अ किंग, बिकॉज यहाँ पर सपोजनल स्टेटमेंट बताई गई है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, देर इज नो इश्यू, बट आपका जो वर्ब है वो प्लूरल ही जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सपोजनल अकॉर्डिंग बात हो रही है। मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट बच्चे सपोज करती है, विश करती है, डिजायर करती है या प्रेफर करती है, मीन्स मैं अगर नाउन प्रोनाउन हूँ, मैं विश कर रही हूँ, मैं किसी चीज के लिए डिजायर करती हूँ या एक प्रेफरेंस में प्रोवाइड करती हूँ, तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, बट आपका जो वर्ब है वो प्लूरल ही जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर दो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, एक तो ये फ्रेजियल फॉर्म हो गया जो कि पॉजिटिव होता है और दूसरा सपोजनल है, तो आई वुड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, आई वुड अटेंड द वेडिंग कम व्हाट में, मैं जरूर वेडिंग अटेंड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली स्टेटमेंट आपको इस तरीके से हैंडल करनी है, यहाँ पर सपोजनल भी यूज किया गया है, यहाँ पर जो एक फ्रेजियल फॉर्म में बात की गई है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहती है। फ्रेजियल फॉर्म स्टेटमेंट में जब यूज किया जाता है वो नेगेटिव क्रिएट नहीं किया जाता है। सो दिस इज द रूल। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चे आज मैं आपके साथ स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रही हूँ, ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं आप बहुत अच्छे से सुनिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ मैं आपके साथ ग्रामर डिस्कशन भी लाऊंगी, टॉपिक वाइज लेके आऊंगी, सो दैट कि आपके लिए हर एक, आपका जो पेपर का हर एक पार्ट है उसको ग्रामेटिकली हैंडल करना आपके लिए बहुत ही ईजी रहे। लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। ओके, इट इज नथिंग एल्स देन ब्राइड, ठीक है। सबसे बड़ी बात, देन मैंने आपको तब बताया था यूज करना जब साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगी हो, एक रीजन। दूसरी बात बच्चे ये था कि इट इज नथिंग एल्स, ठीक है, एल्स वर्ड यूज कर दिया गया है तो एल्स के साथ कभी भी देन नहीं लगता है, दिस इज अगेन अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, देन नहीं लगाया जा सकता, तो एल्स जो है वो कौन सा वर्ड लेता है, बट इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो यहाँ पर ये रूल है कि एल्स बट लेता है, देन कभी भी डिमांड नहीं करता, बिकॉज देन तो तभी लगेगा जब उसके पास कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी, ठीक है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, आज की डिस्कशन यहीं तक थी एरर फाइंडिंग के साथ। इसके साथ आपके लिए मैं लाऊंगी आपका एक एक जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसका डिस्कशन, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपके साथ सारी जो स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं उसमें जो है कंप्लीट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको हिडन ग्रामर के बारे में पता लगा होगा, ग्रामेटिकल वोकैबुलरी के बारे में पता लगा होगा, बहुत छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते बच्चे, वो रूल्स के बारे में आज मैंने आपको बताया है। इनकी डिटेल डिस्कशन जो है मैं हर एक जो ग्रामेटिकल टॉपिक में आपके साथ करना चाहूंगी। सो
प्लीज कीप वॉचिंग आईबीएस शिमला. थैंक यू सो मच. थैंक यू.